हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, सेवी दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे टाइमलाइंस की। और आज मेरे साथ अगेन मेरी डॉटर है जो कि अभी सोई नहीं है अपने टाइम पे, तो मैं इसे भी अपनी वीडियो में साथ ले आई हूँ। तो बढ़ते हैं आज के टाइमलाइंस पे। पहली टाइमलाइन जो है हमारी, उनका मेडिकल रिक्वेस्ट उन्हें मिली है और फाइल अप्लाइड हुई है 4 मार्च 2021 की। बायोमेट्रिक इनका हुआ है 4 अगस्त 2021 में। मेडिकल रिक्वेस्ट इन्हें आई है 15 फेब 2022 को एंड ही इज़ वेटिंग फॉर हिज PPR। तो सेकेंड हमारे पास एक रिफ्यूज़ल केस है और इन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहा है, तो ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ। इन्होंने अप्लाई किया था 4 फेब 2021 को और इनका ये सेकेंड रिफ्यूज़ल है। ऑल्सो उनका विजिटर वीज़ा प्रोग्रेस में है और इन्होंने एक मैसेज सबको दिया है दैट इट्स बेटर टू गेट लेट अप्रूवल देन अर्ली रिजेक्शन। जो लोग भी हम जैसे एप्लीकेंट्स जो वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि लेट में भले ही आपका अप्रूवल आ जाए वो बेहतर है अर्ली रिजेक्शन से। सो आई विश इनका विजिटर वीज़ा ही अप्रूव हो जाए और इनकी टेंशन दूर हो जाए। गुड लक टू यू। सो कल की वीडियो में एक कमेंट आया है भगवत जोशी जी का दैट हिज वाइफ फाइल्स गॉट एन अपडेट। फाइल लॉज हुई है 12 नवंबर 2021 में। अपफ्रंट मेडिकल इनका था और बायोमेट्रिक इनका 15 दिसंबर का डन है और मेडिकल अपडेट इनका हुआ है 14 फेब 2022 को। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ टाइमलाइंस ममता रावत साधवानी जी ने कल की वीडियो में शेयर कमेंट किया है। तो वही टाइमलाइंस है कि फाइल अप्लाइड हुई है 26 जून 2021 की, बायोमेट्रिक हुए हैं 4 जुलाई 2021 के, मेडिकल अपडेटेड ऑन 11 फेब 2022 और PPR रिसीव हुई है 14 फेब 2022 की। ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जून की फाइल्स जो अप्लाइड है उनके PPRs आ रहे हैं। आई डोंट नो वाई IRCC मार्च मई को बीच में भूल गया है, क्योंकि बहुत सारी टाइमलाइंस ऐसी हैं कि जनवरी फरवरी मार्च की नहीं देखने को मिल रही है, मई की नहीं देखने को मिल रही है, डायरेक्ट जून जुलाई की टाइमलाइंस है। सो एक और टाइमलाइन यहाँ पर है, इन्होंने अप्लाई किया है 7 ट्वेंटी 2021 को, बायोमेट्रिक हुआ है 7 अक्टूबर 2021 को और रिफ्यूज़ल आया है इनका 5 फोर्टीन 2021 को, रीज़न नॉट क्वालिफाइड। नेक्स्ट हमारे पास है 2 जून 2021 में अप्लाई की गई है फाइल, मेडिकल इनका 1 मई 2021 का है, मेडिकल अपडेट हुआ है 2 नवंबर थ्रू मेल और बायोमेट्रिक इनका हुआ है 2 अगस्त 2021 में, PPR आई है 14 फेब 2022 को। एक और टाइमलाइन यहाँ पर है, अप्लाइड ऑन 4 जून 2021, PPR रिसीव्ड ऑन 14 फेब 2022। और मैंने कमेंट्स में कई लोगों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी देखा क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं। जैसे एक जशनप्रीत कौर जी का कमेंट आया है दैट हेलो मैम, नवंबर 2020 की फाइल इनकी और 18 जनवरी को मेडिकल रिक्वेस्ट आई थी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन सर जल्द ही आपको मिलेगी अपडेट और आपकी PPR जल्द से जल्द आ जाए। अनूप जी का कमेंट है दैट मैम आई हैड डन माई बायोमेट्रिक एंड मेडिकल ऑन 17 एंड 18 ऑफ दिसंबर 2019, माई वाइफ इज कैनेडियन सिटीजन। सर 2019 की फाइल है तो मुझे लगता है ज़रूर कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्योंकि 2019 की फाइल अभी तक हो जानी चाहिए थी क्लियर, क्योंकि अगर हम वेबसाइट भी चेक करें तो वो 2020 के फैब तक के केसेस ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड फाइल्स जो हैं वही रहती होंगी मेरे ख्याल से। और जो हमारे पास टाइमलाइंस है वो है फाइल सबमिटेड ऑन 29 जनवरी 2021, बायोमेट्रिक इनके हुए हैं 3 फेब 2021 को, मेडिकल पास हुआ है 8 सितंबर 2021 को और रिव्यू स्टार्ट सेम डे को हो गया था। इनका मेडिकल एक्सपायर हो गया था 25 नवंबर 2021 को, लेकिन अगेन अपफ्रंट मेडिकल इन्होंने 4 जनवरी 2022 को कराया और इन्हें फाइनली PPR मिली है 15 फेब 2022 को। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट टाइमलाइन हमारे पास है 4 जनवरी 2021 की फाइल है, बायोमेट्रिक इनका हुआ है 21 जनवरी 2021 को और मेडिकल पास इनका हुआ है 2 फेब 2022 को और इन्हें PPR मिली है 9 फेब 2022 को, लेकिन इन्होंने बहुत लेट शेयर किया है। तो ये थी आज की टाइमलाइंस। थैंक यू ममता जी, आपने अदर सोर्सेज से भी हम तक PPR टाइमलाइंस पहुंचाई हैं और जिन्हें भी अप्रूवल मिले हैं मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, और जिन्हें रिजेक्शन या रिफ्यूज़ल मिला है तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आई नो इट इज़ वेरी हर्टफुल सिचुएशन, आई कैन अंडरस्टैंड। सो गाइज, आज कुछ और डिस्कस नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे साथ बहुत ही मेरी नॉटी बच्ची है जो मुझे कुछ और डिस्कस नहीं करने देगी, बिकॉज इसे खेलना है अभी।
सो बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विश हम सब की पीपीआर बहुत जल्दी आएं।